नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि GST में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती हो गई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महंगी हो गई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको GST के दायरे से बाहर रखा गया है। 1 जुलाई से यानी आज से देश भर में GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स शुरू हो गया है। GST लागू होने से हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाएगी। ऐसी चीज़ें जिन पर अभी तक 18-18 टैक्सेस लगते थे, उन पर अब सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, यानी सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, सभी टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। इससे बेचने वाला और ख़रीदने वाला GST के दायरे में होगा। 1 जुलाई 2017 से यानी आज से पूरे देश में GST लागू हो जाएगा और बहुत सी चीज़ें GST के अंतर्गत सस्ती हो जाएगी और आम आदमी को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे खुला आटा, मैदा, बेसन, दाल, अनाज, फल, फूल, दूध, नमक, लस्सी, पनीर, पूजा की सामग्री, बच्चों की किताबें, इन सभी चीज़ों पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये सारी चीज़ें अब काफ़ी सस्ती हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद वाली बात है। ऐसी चीज़ें जिन पर पहले 12% वैल्यू एडिड टैक्स लगता था, अब केवल 5% ही लगेगा। उन चीज़ों में आते हैं चाय पत्ती, केरोसिन, चीनी, कॉफ़ी, काजू, किशमिश, 1000 रुपये तक के कपड़े, 500 रुपये तक के जूते, इन सभी पर 5% ही टैक्स लगेगा, जो पहले 20% तक लगता था। GST ने अपने रूल्स 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। ऐसी चीज़ें जिन पर 20% वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, उन पर केवल अब 12% ही टैक्स लगेगा। ऐसी चीज़ें हैं घी, फ्रूट, मोबाइल, मुरब्बा, छतरी, अचार, इन चीज़ों पर पहले 20% टैक्स लगता था, अब केवल 12% लगेगा। ऐसी चीज़ें जिन पर 32% तक का टैक्स लगता था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, अब उन पर केवल 18% ही वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। उन चीज़ों में है कंप्यूटर, प्रिंटर, साबुन, टूथपेस्ट, बालों का तेल, आइसक्रीम, इन सब पर अब केवल 18% ही टैक्स लगेगा। और ऐसी चीज़ें जिन पर 35% तक का टैक्स लगता था, उन पर अब केवल 28% का टैक्स लगेगा। GST लागू होने से हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाएगी और ये काफ़ी एडवांटेज वाली बात है और ये काफ़ी फ़ायदेमंद वाली बात है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें जो GST के दायरे से जिनको बाहर रखा गया है, ऐसी चीज़ें जिनको GST से दायरे में बाहर रखा गया है, उन चीज़ों में शामिल है पेट्रोल, डीजल, शराब, शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक स्थल, बस, मेट्रो की टिकट्स आदि। तो ये सभी चीज़ें थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी GST के बारे में। GST के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।